नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में आस्था के कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं भक्तगण। रायसेन के मुखर्जी नगर में श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा चल रहे 11 लाख शिवलिंग के निर्माण में भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग के निर्माण में जुटे हुए हैं। कल हमने आपको किस तरह से शिवलिंग बनते हैं, मिट्टी कहाँ से आती है जैसी बातों की जानकारी प्रसारित की थी। आज हम बताएंगे कि भक्तगण कैसे डूबे हुए हैं भक्ति के रस में, क्यों होता है सब देवी देवताओं का आह्वान, क्या मिलता है सुपाच्य भोजन में, कैसे की जाती है राशि की व्यवस्था, कितने लोग सहयोग दे रहे हैं, इस महाकुंभ में क्यों आए थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी। बड़ों के साथ करीब 100 बच्चे भी रोजाना बना रहे हैं शिवलिंग, और यह महाकुंभ कितने साल से चल रहा है और कब तक चलेगा, सारी जानकारी देखिए मेरे साथ। मैं इंडिया न्यूज 28 से राकेश जैन, रायसेन की रिपोर्ट। अब हम एक ऐसे कक्ष में आए हैं जहाँ कई भगवान के चित्र लगे हुए हैं। हम पंडित जी से पूछेंगे ये क्या है। पंडित जी, आप संक्षेप में बताइए कि क्या है। जब यहाँ अनुष्ठान का प्रारंभ होता है, श्री गणेश होता है, उस समय गणेश अंबिका, विघ्नहर्ता गणपति जी और सिद्धदायिनी गौरी जी और सभी देवी देवताओं का आह्वान, स्थापन, पूजन होता है। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं के मंडल आप देख रहे हैं बने हुए हैं। यदि आपका कोई और अन्य प्रश्न हुआ। अब ये बताइए मुझे कि ये कितने दिन के लिए स्थापित करते हैं आप इसको। ये जो है पंच दिवसीय आयोजन है, छठवें दिन यहाँ पर हवन भंडारा पूर्णावती का आयोजन होगा। ये मैं देख रहा हूँ दीपक जल रहा है आपका, तो ये क्या दीपक भी उतने दिन के लिए जलता है? अखंड दीप, ये अखंड ज्योत है। अखंड दीप है, जब देवताओं का आगमन होता है तो कर्म साक्षी के रूप में देवताओं के सन्निधि पर प्रकाश के लिए इस कक्ष में अखंड दीप प्रज्वलित किया गया है। क्या नाम है आपका? मीराबाई। दिन भर में कितने लोगों का खाना बन जाता होगा? सर 85 लोग बना रहे थे दोनों टाइम में। अच्छा जी, और ऐसे तो बहुत सारा बना लेते हैं, पर अभी हाल फिलहाल में 50 लोगों का दोनों टाइम बना रहा है। ये 50 लोगों में बाहर के लोग आते हैं कि यहीं के लोग रहते हैं? यहीं के हैं, सब पंडित लोग हैं और अपने कर्मचारी लोग हैं। खाने में क्या अलग अलग चीज बनाती है? जी, जी, अलग अलग। मतलब कुछ खास क्या क्या बनाता है? खास सर नाश्ते में पोया है, जलेबी है, पकौड़े हैं, ये सब अलग अलग आइटम बनते हैं। नाश्ता अलग मिलता है और खाना अलग मिलता है, तीनों टाइम का अलग अलग। शिव अभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें 11 लाख रुद्र निर्माण हो गए, पार्थिव रुद्र निर्माण होंगे 11 लाख और उनका अभिषेक होगा। तो कार्यक्रम जो है 14 तारीख से 19 तारीख तक। आपका सहयोग करते हैं इसमें? हमारी श्री अमरनाथ सेवा समिति जो भी सहयोग अपने हिसाब से जो भी बनता है स्वैच्छिक है, कोई जरूरी नहीं है कि कंपल्सरी इतना करना है। जो हमसे बनता है वो हम करते हैं, चाहे भंडारे का कोई भी सामान हो या फिर जो भी सहयोग राशि देना चाहें। बता पाएंगे इसमें कार्य आयोजन में कितना खर्चा होता होगा? महोदय, स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर वर्ष इस कार्यक्रम में लगभग 3 से 4 लाख रुपये का खर्च आता है। इसके अलावा हम मार्च के माह में रायसेन दुर्ग पर एक लंगर लगाते हैं, उस कार्य में भी हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आता है। तो ये पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है आप लोगों पास? जी, समिति के सदस्य लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारी जनता हमें वॉलंटियर रूप से दान राशि उपलब्ध कराती है, और यदि कुछ कमी आती है तो हम समिति के सदस्य आपस में इस धनराशि को एकत्रित कर लेते हैं।